देखिए, इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर विच दिस इक्वेशन. देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन दी हुई है ये, ठीक है, इसकी हमको बतानी कि एन की ऐसी कौन सी पॉसिबल वैल्यू होगी फॉर विच दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, मतलब ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो पाए. देखिए मैं इक्वेशन लिखता हूँ एक बार सबसे पहले, तो 1 प्लस आयोटा, तो एक बार पहले इक्वेशन लिख देता हूँ, 1 प्लस आयोटा का होल पावर n, सॉरी एक सेकेंड, होल पावर पहले बाद में करते हैं, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा का होल पावर n, दैट इज इक्वल्स टू 2 बाय पाई. देखिए यहाँ पे आएगा sec inverse 1 upon x plus sin inverse x. ठीक है, ये चीज हमको क्वेश्चन में दी हुई थी और हमको बोला था कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ n, हमको n की पॉजिटिव वैल्यू बतानी है जो इंटीजर हो सकती है फॉर विच दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं. सबसे पहले मैं ये जो सेकेंड वर्स 1 upon x है, सेकेंड वर्स 1 upon x है ना यहाँ पे, तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ. कैसे, इसको लिख सकता हूँ मैं कॉस इनवर्स 1 upon x अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी. ठीक है, हमारे पास में इनवर्स ट्रिगो की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि सेक इनवर्स 1 upon x इज सेम एज कॉस इनवर्स एक्स, ये चीज सेम होती है. ठीक है, रेसिप्रोकल होता है तो हम लोग बोलते थे ना कि उल्टा इनवर्स अंदर का जो पार्ट है वो भी रेसिप्रोकल हो सकता है, तो ये भी सेम. दैट मीन्स दिस विल बी 2 upon pi कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, सॉरी ये चीज एक्स होगी, यहाँ पे मैंने मिस्टेक गलती से लिख दिया, ये चीज एक्स है. ठीक है, साइन इनवर्स एक्स. ठीक है, अब अगेन अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज पाई बाई टू. ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज पाई बाई टू फॉर ऑलवेज एंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स. ठीक है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स दिस इज ट्रू, मतलब 2 बाय पाई इंटू पाई बाई टू, तो दिस विल बी 1. ठीक है, दिस इज 1 प्लस आयोटा अपॉन बाय 1 माइनस आयोटा का पावर n. ठीक है, देखिए ये जो पार्ट था वो किसका था, इनवर्स ट्रिगो का, जो मैंने सॉल्व करा है पहले आपको समझाने के लिए, ये इनवर्स ट्रिगो का पार्ट हुआ. अब यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट. देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले इसको रेशनलाइज कर देता हूँ एक बार, ऊपर नीचे रेशनलाइज करता, तो क्या होगा, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा का होल पावर n, दैट इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो देखिए आ जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल पावर n अपॉन बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, मतलब ये पावर जो n है वो पूरे में ही है, एक बार पूरे में रखता हूँ ध्यान रखेंगे, का होल पावर n, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर देगा मेरे पास में 1. ठीक है, होल स्क्वायर इसका भी, तो अभी इसको स्क्वायर कर देता हूँ. सबसे पहले एक बार स्क्वायर करेंगे तो देखिए 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा 1 प्लस 1. देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, और बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आंसर आया क्या +1. दिस डिवाइड पावर एन, दैट इज इक्वल टू 1. देखिए अब आयोटा स्क्वायर इज अगेन -1, तो ये -1 और ये 1 कैंसिल कर सकता हूँ, 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 का होल पावर n, दैट इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो अब देखिए ये 1 और 1 कैंसिल, ये 2 और 2 कैंसिल कर देता हूँ, तो आयोटा टू द पावर n इक्वल टू 1. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए आयोटा की वैल्यू आयोटा होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आयोटा क्यूब की वैल्यू -1 होती है, आयोटा टू द पावर 4 की वैल्यू होती है 1. देखिए आयोटा टू द पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1, मतलब इसको कंपेयर करो तो n की वैल्यू क्या आ गई 4. मेरा मतलब आंसर क्या है, n की वैल्यू 4, आंसर बी है हमारा, n की वैल्यू 4.